हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फुल लॉन्ग हेयर कट, हिप से भी नीचे तक लॉन्ग लेंथ है और मैं देखिए कितना शॉर्ट करने वाली हूँ। सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देखना हो तो। उससे मैं अपनी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो देखने को हमेशा अपलोड करते रहती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का लॉन्ग हेयर कट फुल एडवांस स्टेप हेयर कट करने वाली हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा कट आया था, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और इनको भी जिनका मैंने कट किया था उनको भी काफ़ी अच्छे ज़्यादा पसंद आए, इन्होंने शॉर्ट करा दिया लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे शॉर्ट भी हेयर के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ और शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो ये देखिए इतने ज़्यादा हेयर कट गाइस, ये देखिए इनके बाल कितने ज़्यादा लंबे हैं और इनको मैं सबसे पहले कटिंग सीट लगा दे रही हूँ। लंबे तो हैं बट इनके बालों की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, अभी ये सूखे हुए बालों में इतना वॉल्यूम दिख रहा है। अभी मैं इनको गीला करके जब कॉम करूँगी तो इनकी वॉल्यूम देखना और फिर कट कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो मैंने इनके बालों को गीला कर लिया है, अभी मैं इनके बालों को अभी मैंने सिर्फ कटिंग सीट लगाई है, अभी सावर से गीला करेंगे और उसके बाद से गीला करने के बाद से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कितना लेंथ निकालती हूँ, कैसे कट होता है सब कुछ। तो स्प्रे बॉटल से इसको अच्छे से गीला कर ले रहे हैं बालों को। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, और यहाँ पे गीले कर दी बालों को। जब तक बाल अच्छे से गीला ना हो जाए, सुलझ ना जाए, तब तक आपको कटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। और ये मैंने अपने बालों का कलर कैसे किया इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जाके। ओके, तो देखिए नीचे से कितने ज़्यादा हल्के बाल हैं इनके, कम से कम 10 इंच तक बालों का वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो अभी बीच की मांग निकाल लेंगे, मिडल पार्टिंग कर लेंगे बालों की, उसके बाद से स्ट्रेट कट देंगे, उसके बाद से एडवांस स्टेप करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। तो अच्छे से गीला कर लेने के बाद मैं इसको वो मतलब जो मेरा कैमरा पकड़े हुए थे उनको बोल दी थी कि इतना मतलब दिखना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो अभी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से बाल सुलझ चुके हैं हमारे, अभी फिर कटिंग स्टार्ट करनी है। बीच की मांग अच्छे से नहीं हुई थी तो फिर से मैंने मिडल पार्टिंग कर ली बालों की और फिर से कॉम कर ली यहाँ पे। और इतना लेंथ इनका ख़राब हो चुका है तो इतने बाल मैं इनके कट कर दूँगी यहाँ से कम 10 से 12 इंच तक लेंथ इनकी ख़राब हो चुकी थी, तो वो मैंने कट कर दिया बिल्कुल स्ट्रेट कट। अभी और भी लेंथ निकलेगी जब इनका फिनिशिंग दूँगी मैं, तो देखते रहिए। अभी ऊपर से जैसे हम लोग पफ बनाते हैं उतना हेयर लेंगे। प्लीज़ गाइज व्लॉगिंग वीडियो भी ज़रूर देखिए इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पे। तो इस तरीके से मैंने उतने हेयर उठा लिए हैं और अच्छे से कॉम करेंगे, सुलझा लेंगे पहले। जब तक सुलझ ना जाए तब तक आपको कटिंग नहीं करनी है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अभी अच्छे से इसको 90 डिग्री पे कॉम करके लेके जाएंगे एकदम इस तरीके से, और हेयर को फिंगर में ऐसे पकड़ेंगे। ओके, पहले मैंने पूछा कि इतने स्टेप चाहिए, तो इन्होंने बोला नहीं थोड़ा और ऊपर से स्टेप चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगी ऊपर का स्टेप। जैसे मैंने जहाँ पे हाथ पकड़ी और जितना इनका लेंथ है उसके बीच में स्टेप डालने हैं, तो उन्होंने बोला नहीं थोड़ा और ऊपर से स्टेप दीजिए, तो मैं थोड़ा और ये लेंथ लूँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा लेंथ इनकी कट हो रही है यहाँ पे,
ओके, ऐसे आपकी बालों की लेंथ कम नहीं होती है, बस आपको स्टेप देना है तो वो ऊपर के हेयर्स आपके कट हो रहे हैं। जो आपका नीचे का लेंथ है वो मतलब 1-2 इंची तक ही छोटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से कट किया, पहला स्टेप आप देख सकते हो कहाँ पे आया हुआ है। अब इसके बीच में पहला स्टेप हमारा वहाँ पे है और बाकी नीचे तक सारे स्टेप दिए जाएंगे। तो कैसे दे रही हूँ वो देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारी कटिंग भी आई थी। अगर आपके बाल पतले हो गए हैं, वॉल्यूम कम आ गया है, तो आप इस तरीके से कट कर जा सकते हो। नीचे से थोड़े से हेयर छोड़ दे रही हूँ ताकि जो हमारा वॉल्यूम है वो ज़्यादा कम ना दिखे। अभी सारे हेयर को कॉम करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, और यहाँ पे स्टेप डालेंगे। ऊपर का स्टेप तो हमारा पड़ ही गया है, अभी नीचे वाले स्टेप बीच में इस तरीके से स्टेप आएंगे। पूरा हेयर कट का देखते रहिए पूरा, जब फाइनल लुक कैसा आ रहा है। देखिए कितने प्यारे से स्टेप आ रहे हैं बालों में, वाह। ये सूख जाने के बाद से बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अभी दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कट करना है आपको। ओके, आप देख लीजिए कितना मैं ईयर के ऊपर से पार्टिंग उठाई है बालों की, और ऊपर की तरफ फॉर्म करके ले जाएंगे। जो बाल आपके निकल रहे हैं वो निकलने दीजिए, आपने पहले जो कट किया था वो हैं वो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो देख रही थी कि ये कट हो चुका है, इतना छोटा हो गया। ये देखिए कितने प्यारे से स्टेप आ रहे हैं। अभी हम लोग फिर से और भी इसमें स्टेप डालने हैं, एडवांस स्टेप हेयर कट बोलेंगे इसको। तो एक बार कॉम कर लेती हूँ, थोड़ा सा सावर शेप बालों को फिर से गीला करेंगे और कॉम कर लेंगे। ओके, और फिर थोड़ा सा बालों को इस तरीके से करके उठाएंगे बीच से। ओके, और फिर इसको भी ऊपर 90 डिग्री में इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे ताकि फुल बालों में अच्छे से स्टेप आ जाए। इस तरीके से ऊपर की तरफ ले गए हैं, 4-5 इंच तक लेंथ यहाँ से कट करेंगे। ओके, ये देख सकते हैं पूरे बालों में बहुत ही अच्छे से स्टेप आ गया है। अभी नीचे से हम लोग फिनिशिंग देंगे, वाह बहुत ही प्यारा स्टेप आया था यहाँ पे। और फिर से एक बार कॉम करेंगे, देखिए कितने प्यारे से स्टेप आए हैं। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, आई होप। अभी फिर से बीच की मांग निकाल के अच्छे से कॉम करेंगे। अभी हमारा अच्छे से चेक कर लीजिए, जहाँ पे भी स्टेप ना हो वहाँ पे दोबारा से कट करना है। तो लगभग सारे बालों में स्टेप अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप कम लग रहा है, तो इसको दोबारा से कट करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से कट कर देंगे। ओके, अभी दूसरी साइड थोड़ा सा कम और लग रहा है, तो वहाँ पे और स्टेप देंगे। वाह, यहाँ से थोड़ा सा स्टेप और देंगे। और ज़्यादा स्टेप देने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेना है, जैसे हमने उस साइड से दिया था उसी तरीके से यहाँ पे उठाया हेयर को 90 डिग्री पे। इस तरीके से उठा पकड़ के लेके जाएंगे फिंगर में। और ऐसे कट कर देंगे। ओके, और अभी फिनिशिंग देंगे बालों की।
ये देखिए कितना प्यारा स्टेप आया, वाह। लेकिन नीचे से बहुत पतले लग रहे हैं तो थोड़ा सा इनका और लेंथ निकालेंगे हम लोग। डीप यू में इनका शेप मतलब कट करेंगे हेयर को। इस तरीके से यहाँ से आप क्लचर लगाते हो इस तरीके से पकड़ के, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ये देखिए ऐसे आप कहीं भी साड़ी पहन रहे हो सूट पहन रहे हो इस पर क्लचर लगाओ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे हेयर। अभी ये ब्लो ड्राई वगैरह करके सूख जाएंगे हेयर तो और भी प्यारा लुक आएगा। पोनी बनाने पे कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो चलिए मैं पोनी बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ऊंचा पोनी बनाना चाहिए जब आप इस तरीके का कट करवाते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऊंचा पोनी बनाओगे तो आपके नीचे से बाल एकदम स्ट्रेट बराबर दिखेंगे, स्ट्रेट दिखेंगे और लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है। वाह तो चलिए फाइनल लुक क्या था वो दिखा देते हैं आपको। बहुत सारे लोग हेयर प्ले की वीडियोस मांगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को कट नहीं किया। ऐसे देखिए ऐसे भी अगर पोनी बनाते हैं तो भी बहुत प्यारा लुक आ रहा है। तो मैंने पिक्स वगैरह भी क्लिक की थी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये था इनका ओपन हेयर में कुछ इस तरीके का लुक है और क्लचर लगाने के बाद से कुछ ऐसा लुक आया था और पोनी बनाने पे कुछ ऐसा लुक आया था। आपको कैसा लग रहा था जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिसको भी हेयर कट पसंद हो, हेयर कट सीखना चाहते हैं, पार्लर का काम सीखना चाहते हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए गाइस। आई होप आप लोग को इनका हेयर कट अच्छा लगा होगा। और मुझसे मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आपको इसको ब्लो ड्राई वगैरह भी करके दिखाई, तो वो भी बहुत जल्दी करने लग जाऊंगी। वैसे मुझे ब्लो ड्राई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही कटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है और वैसे भी सूखने के बाद से बहुत अच्छा सा कटिंग आ जाता है। मैं गाँव एरिया से बिलोंग करती हूँ तो लोग एक दो दिन पहले ही हेयर कट करा लेते हैं। अगर उनके घर पर पार्टी फंक्शन है तो दो चार दिन पहले ही हेयर कट करा लेते हैं। जैसे तुरंत तुरंत कट करा के अगर जाना हो तो ब्लो ड्राई वगैरह कर दो तो सेट हो जाते हैं, बट पहले कट करा दे तो वो तो ऑटोमेटिकली हेयर सूखने के बाद से आपका सेट हो ही जाएगा। इस वजह से मैं ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करती, बट आप लोगों को देखनी है तो मैं आगे से ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। बाय गाइस।